बिलायगढ़ एसडीएम केएल सोरी अपने टीम के साथ देर शाम तहसील कार्यालय भड़गांव पहुंचे, जहां भूख हड़ताल पर बैठे किसान राम शंकर से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना, साथ ही किसान की समस्या को भी सुने और किसान के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को समाप्त करने का निवेदन किया। बिलायगढ़ एसडीएम केएल सोरी अपने टीम के साथ देर शाम तहसील कार्यालय भड़गांव पहुंचा, जहां भूख हड़ताल पर बैठे किसान राम शंकर से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना तथा उनकी समस्या का जानकारी लिया और किसान के द्वारा की जा रही भूख हड़ताल समाप्त करने निवेदन किया। हालांकि किसान उनके समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की जिद करता रहा, जिस पर अधिकारियों ने किसान को समझाने में लगे हुए थे। आखिरकार काफी देर बाद अधिकारियों के बातों को किसान समझे और एसडीएम द्वारा जल्द निराकरण करने के मिले मौखिक आश्वासन के बाद किसान अपनी भूख हड़ताल समाप्त किए। वहीं पुलिस की टीम ने किसान द्वारा लगाए गए बोर्ड और तंबू हटाकर किसान को स्वस्थ घर वापस भेजा गया। ये बहुत अच्छा किया है एसडीएम साहब ने और मेरा समस्या को हल करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। लिखित में दिए क्या? नहीं, लिखित में नहीं दिया है, तो आदमी विश्वास पर चलता है दुनिया में। और हमारे तहसीलदार वगैरह पूरा हमारे और वकील वगैरह भी आए और सबके सामने में जब बोले हैं तो उसमें लिखे कि कोई आश्वासन की जरूरत नहीं है, अब काम हमारा ठीक से हो जाएगा, ऐसे मुझे बोले हैं। श्री राम शंकर जी हैं, वे ग्राम सरसीवा के निवासी हैं और उनका पेपर डूला और सरसीवा के जमीन संबंधी मामला है, उसको लेकर के उस पर उसको आपत्ति है। उनका मामला न्यायालय नायब तहसीलदार भड़गांव में बंटवारा का चल रहा है और मैं प्रकरण का परीक्षण किया हूँ, फर्द पर बंटवारा पर आपत्ति के लिए लगा है। और दूसरी बातें उनका एक और आपत्ति है कि जिस जमीन को बेचना चाहता था उस जमीन का उसे पटवारी के द्वारा नकल नहीं मिलने के कारण दूसरी जमीन की बिक्री हो गई है। उसको ठीक करने के लिए उसने अनुरोध कर रहा है और मैं भी पूरे जो है अपना तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और पुलिस हमला के साथ में मौके पर पहुंचा हूं और उनको समझा रहे हैं कि इसका जो है, और नायब तहसीलदार को भी निर्देशित किया है कि इस प्रकरण की जल्द से जल्द सुनवाई कर इसका निराकरण करना है। और पटवारी को भी समझाइश दी गई है कि इसके रिकॉर्ड में यदि कहीं पर गलती है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए और जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। इन बातों से सहमत होते हुए, हमारे आश्वासन को मानते हुए राम शंकर जी जो है सहमत हुए हैं और ये भूख हड़ताल में जो बैठे थे उसको समाप्त कर रहे हैं, ये बातें हैं। सर, कुछ लोगों का भी पैसा लेने का आरोप जो लगा रहा था, कहाँ तक सच है वो? अब ये पैसा लेने के संबंध में भी बात किया है और उसमें अभी तो जानकारी नहीं है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। इनके द्वारा पैसा लेने देने के संबंध में कोई पृथक से आवेदन पत्र पेश किया जाता है तो उसके विधिवत जांच करके अगर कोई आरोप प्रमाणित होता है तो जो पैसा लेने वाले हैं उसके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, राजस्व विभाग में अधिकतर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो क्या उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए सर? नहीं, ऐसा कोई खास मामले तो नहीं आ रहे हैं, हो सकता है ऐसा कहीं कहीं पे आए, यदि कोई प्राप्त होता है तो इसकी जांच की जा सकती है और उच्च स्तर पर जाँच की आवश्यकता है तो हम उसको उच्च स्तर पर भी उसकी जानकारी भेज सकते हैं। बिलायगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, ACN 24।